और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वो रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के दौरान जो है जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार लोग जो हैं आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों की भी तैनाती यहाँ पर लगातार कर दी गई है। पूरी कोशिश यहाँ पर यही की गई थी कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, कहीं पर भी कोई हिंसक तस्वीरें न सामने आए और इसीलिए अलग अलग जगहों पर तमाम पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आप उत्साह देख पा रहे हैं, जितनी भी जनता है वो मौके पर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वेव कर रहे हैं, अपना हाथ हिला रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सबसे आगे वाली सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बैठे हुए हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाकर। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो एक पहाड़ी जो संस्कृति होती है, जो पहाड़ी वेशभूषा होती है वो धारण किए हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड की सड़कों पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार वो उनका काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो उनके आसपास तैनात हैं, कहीं पर भी कोई चूक ना हो इसलिए तमाम पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर है और कई करोड़ों की सौगात यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को दी है। लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 17,500 करोड़ की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को दी है और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रूट्स को ब्लॉक किया गया है, डायवर्जन जो है वो काफी ज्यादा है। हालांकि आम जनता जो है वो उन्हें घेरे खड़ी है, पुलिसकर्मी तमाम जो उच्च पद पर बैठे अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। और ये धीरे धीरे उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका काफिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अलग अलग जगहों पर आप देखें तो रोड्स को किस तरीके से ब्लॉक किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जब वहां से गुजर रहे तो लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो आवाज निकल रही है, जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो काफी लोग जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी जनता को